तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे एशिया के क्लीनेस्ट विलेज से हम पहुंच गए इस हॉन्टेड जंगल में। भारी बारिश में लेट नाइट सफर कर हम पहुंच गए टोकी रिवर और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई टोकी रिवर कैंप साइट पे। तो टोकी रिवर फेमस है यहाँ के ट्रांसपेरेंट वाटर लेक के लिए, पर रात की भारी बारिश की वजह से लेक का पानी अब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं बचा था। स्टिल ये जगह काफी पीसफुल और खूबसूरत लग रही थी। और अगर मुझे तैरना आता तो मैं एक बार यहां जरूर डुबकी लगा लेता। तो बस टोकी रिवर को गुड बाय बोल के हम निकल चुके हैं हमारे बैम्बू ट्रैक के लिए। अब किस्मत को शायद मंजूर नहीं था कि हम बैम्बू ट्रैक करें, तो यहाँ से निकलने के साथ ही भारी बारिश होना स्टार्ट हो गया। Break down all the lights, let me hold you close. तो जो आपको साइड में फेंस दिख रही है ये एक्चुअली बांग्लादेश बॉर्डर है। तो अभी हम लोग इधर हैं इंडिया में और उस फेंस के उस साइड पे है बांग्लादेश। Waited my whole life and now I know. बारिश आने की वजह से बैम्बू ट्रैक तो कैंसिल ही हो गया और हम थोड़ा सा आइटनरी चेंज कर लिया है। अभी हम लोग आए हैं रिवाई विलेज में जहाँ पे हमें लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलेगा। अब लाइफ में क्या छूट गया उसके पीछे रोने की बजाय क्या मिल सकता है उस पे ध्यान देना हमने ज़्यादा सही समझा। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया तो मैंने कैमरे को पॉलीथीन से कवर कर लिया एंड आई होप ये गीला नहीं होगा। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर आई गेस। यहाँ से ब्रिज दिखना स्टार्ट हो गया। ओह माय गॉड, दैट्स द ब्रिज। सो द स्टोरी बिहाइंड द लिविंग रूट ब्रिज इज कि पुराने टाइम में यहाँ की खासी ट्राइब के लोगों ने इन स्पेशल रबर ट्रीज की रूट्स को बैम्बू के सहारे से सेप देके छोड़ दिया और ओवर द टाइम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद उन रूट्स ने इस ब्रिज की सेप ले ली और जो ये आठवां अजूबा बना वो आज आपके सामने है। और ये ब्रिज ये भी दर्शाता है कि यहाँ के लोग नेचर से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पुराने टाइम में ज़्यादा कुछ ऐसे सुविधाएं होती नहीं थी, बट उस टाइम के आर्किटेक्चर जो होते थे वो बहुत स्मार्ट होते थे। तो या दिस इज ए पीस ऑफ आर्ट। तो बस इस अमेजिंग आर्किटेक्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद हम चल दिए पास के एक स्पेशल विलेज को घूमने। सो राइट नाउ वी जस्ट रीच्ड मोलिंगनोंग और ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है जो आपको यहाँ के दिख भी जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मोलिंगनोंग विलेज की और 2003 में इसे एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला था और उसके बाद से हर साल यही वो अवार्ड जीतते हुए आ रहा है।
और क्लीननेस के साथ साथ इसने एक अवार्ड और जीता था, वो था 100% लिटरेसी का। तो एक चीज तो आपको यहाँ आते ही समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जस्ट नॉट द विलेज, पूरा मेघालय बहुत क्लीन है। यहाँ के लोग साफ सफाई को लेके बहुत कंसर्न रखते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। और विलेज में तो आप लोगों को दिख रहा होगा लाइक एक भी सिंगल पॉलीथीन का टुकड़ा हमें नहीं मिला। ऐसे लोग, ऐसे गांव मिसाल बनते हैं ताकि इन फ्यूचर जो बाकी नए नए गांव डेवलप हो रहे हैं तो उनको यहाँ से ये पैटर्न उठाना चाहिए कि लोग इसको कितना क्लीन कैसे रख रहे हैं। सो दीज आर द डस्टबिन्स जो आपको गांव में हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ के घर देख के जो हम बचपन में मालगुड़ी देश देखते थे तो उसकी याद आ जाती है। उसमें जैसे घर दिखाए जाते थे यहाँ पे वैसे ही छोटे छोटे हट बने हुए, बहुत बड़े घर नहीं होते, बहुत ही छोटे 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 घर बना रखे नजर। तो गांव की हर गली घूमने के बाद हम चल पड़े एक सीक्रेट जगह पे जो कि आइटनरी का हिस्सा भी नहीं थी। बट यहां तक पहुंचना एक टास्क था क्योंकि बारिश और मिस्ट की वजह से रोड पे विजिबिलिटी लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो बादलों के बीच में चल रहे हो। अब ये लग तो खूबसूरत रहा था और मुझे बारिश में भीगने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट इश्यू था मेरा कैमरा। पर इस खूबसूरत जगह को कैप्चर करने के लिए थोड़ा रिस्क तो बनता है। कुछ ही वक्त बाद हम पहुंच के गार्डन ऑफ केव्स में। तो माना जाता है कि यहाँ के ट्राइब का किंग अपने कबीले के साथ यहाँ पे रहता था और उसके सराउंडिंग ही यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये किंग के नहाने की जगह थी। तो अगर आपको मेघालय के सारे नेचुरल मार्वल एक ही जगह पे देखने हैं तो गार्डन ऑफ केव से बेटर जगह कोई भी नहीं हो सकती। बट मुझे ये जगह आप बीती के जंगलों वाला फील दे रही थी। So this is the story of the cave. So this cave feels like a movie scene of Indiana Jones movie. So Indiana Jones movie में जैसे वो लोग खजाना ढूंढते थे तो ये पीछे जो मेरे केव है वो सारी वैसे ही दिख रही है। अब यहां तो हमें खजाना मिला नहीं तो हम निकल लिए आगे। हॉरर मूवी का सीन लग रहा है तो प्रॉपर। ये जगह बहुत से वॉटरफॉल से भरी हुई है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ये जगह और ज़्यादा हॉन्टेड होती जा रही थी। बट हमने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए हम खजाना तो ढूंढ के रहेंगे। का घर था।
और मैं सबको पूर रहा था कि हमें निकल लेना चाहिए, बट वॉन्टेड मूवी में समझदार दोस्त की सुनता हूँ। आखिरकार हमें इस ट्रेल के एंड में खजाने के तौर पे ये स्पिरिचुअल वाटर स्प्राउट मिला और इसे पीते ही हम अमर होने वाले थे। बस हमें चुड़ैल के आने से पहले पहले इसे पीना था और हम इसका घूट लेने ही वाले थे। तो आज की वीडियो के एंडिंग यहीं पर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकलेंगे चेरापूंजी के लिए और जैसा वेदर हो रखा है तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है चेरापूंजी पहुँचने में। तो बाकी का पार्ट कल दिखाएंगे आपको। आज का दिन वर्थ इट था एंड आई होप यू लाइक इट। बाकी नेक्स्ट पार्ट में बाय। और नेक्स्ट एपिसोड में हम विजिट करने वाले हैं वर्ल्ड की वेटेस्ट जगह में से एक, चेरापूंजी।